हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूँ सत्या और आज की इस वीडियो में हम लोग एडमिन का लेआउट क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे। और स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में हम लोग एक लाइन को मिस कर गए थे। बेसिकली वो क्या है कि जब भी आपका इनपुट रोल होगा, यानी कि जो भी आप यूआई से वाइल क्रिएटिंग ए न्यू यूज़र और जब आप रजिस्टर करेंगे उस समय जो ड्रॉप डाउन में वैल्यू आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू नल है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रोल को असाइन कर रहे हैं, उस यूज़र को पर्टिकुलर उस रोल पे असाइन कर रहे हैं। तो ये लाइन हम लोग मिस कर गए थे। अभी अगर ये लाइन ऐड करने के बाद अगर आप अपना डेटाबेस ओपन करेंगे और चेक करेंगे ASP.NET यूज़र, तो उसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़र दिखेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा आइडेंटिटी यूज़र, ठीक है। और जो भी आपका रोल्स है वो अगर आप रोल्स टेबल ओपन करेंगे तो पर्टिकुलर रोल यूज़र आईडी से मैप्ड है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेआउट क्रिएशन। तो लेआउट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग वेब एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ आके हम लोग व्यू फोल्डर के अंदर हम लोग के पास शेयर फोल्डर है, यहाँ पे हम लोग लेआउट्स क्रिएट करेंगे, ऑथर का, एडमिन का और सब्सक्राइबर का। तो पहले यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, ऐड। ओके, वी नीड टू स्टॉप द प्रोजेक्ट। पहले हम लोग प्रोजेक्ट को स्टॉप कर लेते हैं, फिर क्लिक करेंगे शेयर फोल्डर पर और यहाँ से हम लोग न्यू आइटम को ऐड करेंगे। ठीक है, इस विंडो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेजर लेआउट और ये लेआउट का नाम हो जाएगा हमारा लेआउट एडमिन, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड। अब इसी तरह हम लोग दूसरा भी ऐड कर लेंगे, क्लिक ऑन शेयर्ड फोल्डर देन ऐड देन न्यू आइटम और यहाँ पे भी हम लोग रेजर लेआउट और इसको हम लोग कर देंगे ऑथर, ठीक है। लास्ट हम लोग का लेआउट है सब्सक्राइबर, ठीक है। अभी हमारे तीनों लेआउट क्रिएट हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एडमिन लेआउट को ओपन करते हैं। ओके, ठीक है। अब जब भी यूज़र लॉगिन होगा अगर उसका रोल एडमिन है तो वो एडमिन लेआउट से जो भी एरिया है उस पे जाना है, अगर वो ऑथर है तो ऑथर पे जाए, सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइबर पे जाए। तो सबसे पहले हम लोग एडमिन में जाके कंट्रोलर क्रिएट कर ले रहे हैं। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड कंट्रोलर। सो बेसिक ये एडमिन का होम कंट्रोलर है, तो हम लोग क्या करेंगे MVC, अभी हम लोग ब्लैंक कंट्रोलर पे ले ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे होम कंट्रोलर, चाहे इसको होम कंट्रोलर की जगह पे हम लोग एडमिन को डैशबोर्ड दे दे रहे हैं। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर। अब हम यहां से इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया और इसका एक व्यू पेज बनाते हैं, ऐड व्यू। सो व्यू बनाने के लिए बेसिकली हमारा ये कंट्रोलर हो गया और ये उसका मेथड हो गया, लेकिन ये किस व्यू को रिटर्न करेगा ये अभी यहाँ पे हम लोग क्रिएट नहीं किया। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे रेजर व्यू एम्प्टी पेज। राइट नाउ अभी हम लोग एम्प्टी पेज पे जाएंगे, क्लिक करेंगे ऐड और इसका नाम हम लोग इंडेक्स ही रख देते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन ऐड, ये हमारा पेज बन गया। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा यूज़र लॉगिन करेगा तो रोल के हिसाब से हम लोग को रिडायरेक्ट करना पेज को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग व्यू सेक्शन में आएंगे और हमारे पास व्यू स्टार्ट। सो बेसिकली जब यूज़र लॉगिन करेगा हमारे एप्लीकेशन में उस समय हम लोग को ये चेक करना है कि अगर एडमिन
रोल पे है तो एडमिन का लेआउट सेलेक्ट हो, अगर ऑथर का हो तो ऑथर का लेआउट सेलेक्ट हो, अगर सब्सक्राइबर का लेआउट हो तो सब्सक्राइबर का हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, व्यू स्टार्ट पेज में जाके चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग कोड को यहाँ पे कॉपी कर रखें, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर रखें, बेसिकली यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे और यहाँ आके हम लोग लेआउट को रिप्लेस कर देंगे जो हम लोग का कोड है उससे। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर यूज़र रोल एज ए एडमिन है और ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर रोल एडमिन है तो वो ये लेआउट पे जाएगा, नहीं तो दूसरा चेक करेगा, तीसरा, फिर नहीं तो अगर कोई भी रोल्स उसको नहीं मिलते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो लेआउट है हम लोग का उस पे जाएगा। तो चलिए एक बार इसको सेव करके एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पेज जो है ओपन हो गया है बाय डिफॉल्ट। अभी हम लोग यूज़र, कोई भी यूज़र लॉगिन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लेआउट को उठा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन सेक्शन पे जाके, ओके, ऑलरेडी एडमिन का यूज़र ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम लोग लॉगिन करेंगे एज ए एडमिन। सो वो हम लोग का एडमिन लेआउट, बेसिकली जो हम लोग का मास्टर पेज है वो एडमिन लेआउट का उठना चाहिए। तो एक बार लॉगिन पे क्रिएट करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एडमिन लेआउट तो हम लोग क्रिएट कर दिए, लेकिन ये पेज जो है ये हम लोग का उठा रहा है होम कंट्रोलर से, यानी कि जो हम लोग का डिफॉल्ट कंट्रोलर है वहाँ से उठा रहा है। तो एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वापस प्रोजेक्ट में जाएंगे और सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन डॉट सी एस एच टी एम एल डॉट सी एस पेज पे आएंगे और यहाँ पे आके हम लोग डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा यूज़र मैनेजर। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग का हो जाएगा आइडेंटिटी यूज़र, आइडेंटिटी यूज़र। ठीक है, इसको हम लोग देंगे यूज़र मैनेजर, और हम लोग यहाँ से डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से हम लोग वापस पोस्ट मेथड में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे है कि लोकल रिडायरेक्ट रिटर्न रिवर्ल, सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूज़र जो है एडमिन यूज़र है या ऑथर यूज़र है या सब्सक्राइबर यूज़र है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेयर यूज़र, पहले यूज़र को फाइंड आउट कर लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाई ई मेल एसिंक, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इनपुट डॉट ई मेल। ठीक है, और ये हमारा एसिंक है तो यहाँ पे हमारा अवेट दूसरा होगा हमारा, अगर ये यूज़र, बेसिकली हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे इस यूज़र्स का कितना रोल्स है। सो हम लोग यहाँ पे रोल्स इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट गेट रोल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे है यहाँ तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा यूज़र। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले यूज़र को फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उस यूज़र के थ्रू उस यूज़र का कितना रोल्स है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ तो रोल्स हमारा लिस्ट रिटर्न करेगा रोल्स डॉट, सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ फाइंड आउट करेंगे क्या एडमिन, अगर उस रोल्स के अंदर एडमिन है नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न करता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न यू आर एल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा
एडमिन स्लैश एडमिन डैश बोर्ड, ठीक है। और इसी तरह दो और, तो इसको हम लोग एलसीफ में ले ले रहे हैं, इसको भी हम लोग एलसीफ में ले लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑथर। अब ये ऑथर का चेक कर लेंगे, अगर ऑथर होगा तो ऑथर पे जाएगा और ऑथर डैशबोर्ड, और अगर सब्सक्राइबर तो वो हमारा सब्सक्राइबर के डैशबोर्ड पे जाएगा, ठीक है। ये तीनों हो जाने के बाद इससे क्या होगा, जो भी हमारा रोल्स आया अगर उसके अंदर एडमिन मिला तो वो एडमिन डैशबोर्ड को जाएगा, तो रिडायरेक्ट यूआरएल में हमारा ये पाथ आ जाएगा, उस पर पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली एरिया यूज़ करना है तो हम लोग को राउटिंग भी चेंज करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एरिया को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो नेम हमारा हो जाएगा एडमिन एरिया, ठीक है, और ये जाएगा हमारा एडमिन के अंदर स्लैश कंट्रोलर। अब ये हमारा जो भी हम यहाँ पे कंट्रोलर नेम देंगे फर्स्ट, वो बेसिकली उसी कंट्रोलर को उठाएगा, जैसे कि हमारा एडमिन के अंदर एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर है, तो हम लोग क्या करेंगे एडमिन डैशबोर्ड कंट्रोलर को वहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो जब भी यूज़र लॉगिन होगा वो हमारा एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एरिया डिफाइन करते रहे कि ये एरिया किस चीज़ का है, एरिया नेम, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और बेसिकली ये मैप कंट्रोलर राउट है और ये हो जाएगा मैप एरिया कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कोट, ओके, नेम एडमिन एरिया, एरिया नेम हो गया हमारा एडमिन, पैटर्न हो गया एडमिन स्लैश कंट्रोलर नेम और इंडेक्स नेम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोजेक्ट को रन करके एक बार चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे, सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि उस पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एडमिन लॉगिन, ओके, इसको फिक्स करते हैं। सो बेसिकली उस इश्यू को फिक्स करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये रिटर्न यूआरएल जो है हम लोग का गलत है, एडमिन एडमिन डैशबोर्ड, उसके पहले हम लोग को एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, उससे क्या होगा कि जो भी आपका यूआरएल स्लैश एडमिन और वो कंट्रोलर नेम, ठीक है। और यहाँ पे एडमिन एरिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में भी एरिया का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रहा है, सो हम लोग का एरिया, ठीक है, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा ये एरिया बेसिकली एडमिन का एरिया है, ठीक है। एट्रीब्यूट दे दिए यहाँ पे एरिया एडमिन, अब वो इशू नहीं आएगा। एक बार रन करके देख लेते हैं, ओके, ठीक है। इसको एक बार कुकीज को क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं, ओके, यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एडमिन से लॉगिन करते हैं और हमारा भी ये पेज है, देखते हैं उस पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके, ब्रेक पॉइंट को हटा देंगे, रन करेंगे, ओके। सो अभी हमारा आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा यूआरएल जो है लोकल होस्ट
231/admin/admin डैशबोर्ड, यानी कि हम लोग का डैशबोर्ड पेज पे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ऑथर का और सब्सक्राइबर का भी लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ आके ऑथर के अंदर भी एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोलर के अंदर ऐड कंट्रोलर ब्लैंक को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग ऑथर डैशबोर्ड, ठीक है। और इसका भी एक व्यू पेज बना दे रहे हम लोग इंडेक्स नाम से ही, सो ऐड इंडेक्स, ठीक है। और सिमिलर वे में हम लोग सब्सक्राइबर का क्रिएट कर देंगे, कंट्रोलर ब्लैंक कंट्रोलर, ये हो जाएगा हमारा सब्सक्राइबर डैशबोर्ड, ठीक है। और इसका भी हम लोग इंडेक्स पेज बना देंगे, ऐड व्यू इंडेक्स, ठीक है। अभी हमारे तीनों रोल्स के डैशबोर्ड्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा डेटा और मॉडल है ये दोनों नहीं, ठीक है, इसके अंदर भी हमको डेटा और मॉडल नहीं चाहिए, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके हम भी डेटा और मॉडल डिलीट, ठीक है। अब हम लोग का ये हो गया एडमिन। सो बेसिकली ये जब एडमिन लॉगिन हो रहा है तो वो हम लोग का ये लेआउट उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बार दे देते हैं एडमिन, और हम लोग को ये हमारा पेज एडमिन डैशबोर्ड, एक बार रन करते हैं। ठीक है, यहाँ से लॉगिन क्रिएट करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, क्लिक बटन, और फिर यहाँ से हम लोग यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन का देखें, एक बार चेक करते हैं कि ये रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड। सो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके नैव बार और जो भी एडमिन का रिलेटेड मेनू है वो मेनू डिक्लेयर करेंगे, और एडमिन से रिलेटेड स्क्रीन्स को हम लोग डिज़ाइन करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स, सो आने वाली सारी वीडियोज़ नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।